बना रहे हैं। लौकी को धो के काट लिए छोटे छोटे बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसको मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, जिसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग, अगर हींग पसंद है तो हींग डालिए, नहीं तो मत डालिए। इसमें एक छोटा प्याज, चला लेंगे। प्याज थोड़ा भून गया है, इसमें कटा हुआ जो घिया लौकी, कोई घिया बोलते हैं, कोई लौकी बोलते हैं, कोई कद्दू बोलते हैं, इसको इसमें डाल देंगे। डाल के चला लिए, सारे कद्दू कटा हुआ जो है सारे डाल देंगे। बहुत कम हल्दी डालते हैं, थोड़ा हल्दी डालेंगे रंग के लिए, और नमक स्वाद अनुसार जो आपका अंदाज है लौकी के हिसाब से आपको नमक डालना होता है। मीठा नमक भी अच्छा लगता है, ज़्यादा नमक अच्छा लगता नहीं है, ये मीठा नमक भी डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे, कभी कभी जल जाता है। इसको चला लेंगे, कभी चला के कद्दू में पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा कम डालते हैं, अगर डालना भी है तो थोड़ा सा डालते हैं कि जले नहीं, क्योंकि ये घिया खुद पानी छोड़ देता है, इसलिए इसमें कम पानी बहुत कम डालते हैं। आधा कटोरी पानी डाल दिए हैं, जले नहीं, और इसको सिम पर 2-3 सीटी लगा देंगे कि अच्छे से पक जाए, उसके बाद इसको स्टीम निकल जाएगा तो खोलेंगे। आप भी बनाइए, खाइए, गर्मी के दिन में ये हरा सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में, पराठा चावल रोटी इसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू। मेरे कद्दू बनाए थे, मन के तैयार हो गया है, इसको रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खा लें, बहुत टेस्टी लगता है, मीठा मीठा, बहुत प्लेन कद्दू है, इसमें और कोई मसाला नहीं, नमक हल्दी खाली और जीरा का पत्ता लगा के बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप भी बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गर्मी में बहुत अच्छा लगता है हरा सब्जी खाना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा रेसिपी कैसा लगा।